स्पर्म जब आपके अभी हुआ तो स्पर्म टेस्ट कराना ही गलत है। अभी तो पिछले साल प्रेगनेंसी हुई, अबॉर्शन हो गया, स्पर्म होंगे तभी हुआ ना, पहले बच्चा है आपके। अब नई चीज थायराइड शुगर हो सकती है, हस्बैंड को शुगर हो सकता है आप कह रहे हो, और नंबर लिखा ही नहीं कहीं, और ये सैंपल पढ़ा रहे तो गलत ही रिपोर्ट आती है। आपने जब भी कभी किसी ने देना है तो हाथ के हाथ करा के रिपोर्ट लेके वहाँ से निकलना है। अगर आपका आधा घंटा रखा रहा तो खराब हो जाता है। ये तो कह रहे थे बाहर से हाँ, नहीं जहाँ पे वो खड़े खड़े आपके सामने करे वहाँ से कराना। और गलत रिपोर्ट आए तो मानना नहीं है, कोई भी रिपोर्ट गलत आए माननी नहीं है। हमें तो पता चला, हमें तो जो रिपोर्ट दे उसकी कोई माननी नहीं, इसीलिए वीडियो बन रही है, क्योंकि अननेसेसरी लोग सारे बिजी हैं, काम के काम हो नहीं रहे, बेकार के हो रहे। ये तो नहीं कि हिंदुस्तान में रियल मरीजों की कमी है, हम इनसे फ्री हों तो जिनको सच में बीमारी है उनके पास उनका काम करें, है ही नहीं, बस ऐसे दिमाग में घुस गया। अब ऐसा कोई टाइम था जब आपने ट्राई किया और ट्रीटमेंट ना कराया हो, भी अपने चाहा कि चलो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। अब तो मैम नवंबर जो पहले दोनों अपने आप हो गए ना, अभी जो अबॉर्शन हो गए वो अपने आप ही हो गए ना। नहीं तब मेडिसिन ली थी उन्होंने, नहीं ब्लीडिंग अपने आप शुरू हुई थी, नहीं कंसेप्शन अपने आप हुई, नहीं नहीं प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन ली थी। नवंबर 22 के बाद मेरी मेडिसिन बंद है और हम ट्राई भी कर रहे हैं। एक इंजेक्शन शुरू किया था पेट में लगाते थे बच्चे की ग्रोथ के लिए, कुछ एस्पिरिन दी होगी पता नहीं कौन सा था, उससे वो ब्लीडिंग रुकी। एस्पिरिन दे देते हैं कि आपका ग्रो करे, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी तो क्लॉटिंग टेंडेंसी है उसको एस्पिरिन देनी है खून पतला करने के लिए, जिसकी है नहीं उसको नहीं दे। वो बोलते थी ना उससे ब्लीडिंग हो रही है, उससे अबॉर्शन ज़्यादा हो रहा है। विटामिन डी डेफिशिएंसी में बॉडी रिजेक्ट कर देती है, आप स्ट्रेस में होते हो उसमें रिजेक्ट कर देती है, शुगर थायराइड तो मैंने सेकंड टाइम तो फिर वन मंथ की पूरा मैं घर पे ही रही थी, कोई मतलब स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल फ्री माइंड रही थी। कोई कोई होता ही अब नॉर्मल है, जो एग और स्पर्म मिले तो ठीक नहीं मिलता। आपका फेस देख के मुझे बिल्कुल साफ लग रहा है, ठीक लग रहा है, होगा तो बॉर्डरलाइन थायराइड होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रोलैक्टिन आप कह रहे हो रहता ही ज्यादा है, विटामिन डी हो सकता है क्योंकि मेरी कमर वगैरह बहुत है। हाँ अभी आज लगवाओ, कहाँ है सिरसा से आया ना, विटामिन डी लगा, हस्बैंड के लग गया, पीपी कर लिया करो, खा के आए ना पीपी अभी कर लो। हस्बैंड का ही होगा ज्यादा शुगर, हस्बैंड के निकल रही है। अब अच्छा अच्छा खाना बना के, हाँ तो उनके शुगर होगा तो उससे उनका फ्रेगमेंटेशन भी एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन उसमें भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो स्पर्म ठीक है, स्पर्म टेस्ट नहीं कराना ना ट्यूब टेस्ट कराना, ट्यूब टेस्ट भी करवाया था नॉर्मल। अगर प्रेगनेंसी हुई है पिछले साल तो ट्यूब एकदम से क्या ही खराब हो जाएगी, स्पर्म एकदम से क्या ही खराब हो जाएंगे, सेवाए शुगर थायराइड के और कुछ होता ही नहीं, जो कि इस एज में एकदम से हो जाए। सेम हस्बैंड वाइफ कोई गंदगी में नहीं रह रहे, कोई टीबी नहीं हो रहा, पहले टीबी होता था तब ट्यूब ब्लॉक हो जाती थी, आजकल नहीं होती है। आजकल तो करने वाले बाहर ही गिरा देते दवाई, करते नहीं ध्यान से टेक्नीशियन, फिर हो जाती आ जाती है गलत रिपोर्ट। जितनी गलत रिपोर्ट होती है मैं दोबारा कराती हूँ अपने यहाँ से, ठीक आती है। तो हम बिना इशू पूरे 9 मंथ में हो गया, 7 दिसंबर को मैरिज थी और 7 सितंबर को हो गया, हमने कोई मेडिसिन कुछ नहीं लिया। HB ठीक है, इसका 14 ग्राम है, देखो कितना बढ़िया, बस यही सेम दवाइयाँ खानी, अपने प्रोलैक्टिन खानी हफ्ते के हफ्ते, फॉलिक एसिड डेली, सैलड सब्जी ज़्यादा खानी है, विटामिन डी लगवाना है, टेंशन नहीं करनी, डांस क्लास ज्वाइन कर लो, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, दिन गिनते रहोगे तो नहीं होगी। अब आने वाले हैं, हमें रेस्ट कर लो, आने वाले हैं तो आपके काम करने से ख़राब नहीं हो जाता वो। अच्छा, हस्बैंड ने गर्मी में नहीं जाना, अल्कोहल स्मोकिंग तो नहीं करते, नहीं कुछ नहीं, मैंने 3 साल पहले अल्कोहल वगैरह लेता था, नॉन वेज सब छोड़ दिया, तो वो भी एक रीज़न था, प्रेगनेंसी नहीं हुई थी आपके निकल गए थे। वो तो अब 2 साल हो गए, 3 साल ही हो गए, ज़्यादा हो गए, छोड़ दिए। देखो एक आधा अबॉर्शन हो जाता है, वो दूसरी बार इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि फिर होते चले जाते हैं,
ध्यान रखने से आपका शुगर बढ़ जाता है, एस्पिरिन देने से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, बॉडी वैसे ही रिजेक्ट कर देती है कि यू आर नॉट फिट फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। आप किसी को अपना बच्चा पकड़ा के जाओ, उसको अपनी बहुत टेंशन हो, तो आप ले आओगे ना, वो तो खुद ही तंग रहती है मेरे बच्चे को क्या अच्छा रहे, ऐसी ही नेचर आपको तब देती है जब आप बिल्कुल परफेक्ट होते हो, खुशहाल भी होते हो, खुश भी रहते हो। मतलब बॉडी उसी तरह से सोचे कि इमरजेंसी में इमरजेंसी काम होते हैं, ठीक है। जब आफत आई है तो ज़रूरी काम होने चाहिए, बच्चा पैदा तो बाद में होगा, पहले माँ सर्वाइव करेगी तो बच्चा पैदा होगा, होना चाहिए, तो वो ऐसे छोड़ देती है ना, भूख मर जाती है, कॉफ, मतलब जितने भी टल सकते हैं काम वो टाले जाते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। हार्ट लंग को जाती है ब्लड सप्लाई और सब जगह की कम हो जाती है। और जब अब देखो, अब आइए चैन की सांस आपको, अब जब सांस ही नहीं आ रही तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ये बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम है।